हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ में, जिसमें मैं आपको ये बताऊँगी कि आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में अगर पावर अडैप्टर चलाते हैं तो उसमें वॉल्यूम कम या ज़्यादा किस तरह से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इस टॉपिक के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे सर्च करी, बट मुझे मेन सॉल्यूशन नहीं मिल पाया। बट मेरी बहुत रिसर्च के बाद मैंने इस फीचर को ढूंढा और फाइनली जो मेरा काम है इससे बहुत ज़्यादा आसान हो गया। वरना पहले मुझे क्या करना होता था, जिसकी वॉल्यूम मुझे कम या ज़्यादा करनी है मुझे ऑनलाइन करना पड़ता था, फिर वहाँ से उस फाइल को डाउनलोड करके अपने पावर अडैप्टर में उसको लाना होता था। लेकिन ये फीचर आपको पावर अडैप्टर खुद देता है। अगर आप फ्री वर्जन भी यूज़ कर रहे हैं तभी भी आपको ये फीचर मिलता है। तो फ्रेंड्स, आइए चलिए देखते हैं किस तरह से आप भी अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में पावर अडैप्टर में ऑडियो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना पावर अडैप्टर ओपन करना पड़ेगा ऑब्वियसली। उसके बाद आपको ये फाइल्स यहाँ से डिलीट करनी है, कंट्रोल ए और डिलीट से, अगर आपको नहीं चाहिए तो। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी फाइल सिलेक्ट करनी है, जिस फाइल को भी आप एडिट करना चाहते हो। फ्रेंड्स, बहुत टाइम पहले मैंने ये वीडियो बनाई थी जो मैंने पब्लिश भी कर दी है। मैं इसी वीडियो को पिक कर रही हूँ जिसमें मैं आपको ये बताऊँगी ऑडियो का जो वॉल्यूम है वो किस तरह से अप या डाउन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पहले मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, उसको अपनी टाइमलाइन पे आपको लेके आना है। चलिए, इसको मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देती हूँ कि अभी इसका जो साउंड है, अभी जो इसका ऑडियो है वो कितना है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मेरी बहुत मेहनत के बाद आज मुझे ये एडसेंस का जो है कोड मिल पाया है। तकरीबन 26-27 दिन हो गए मुझे इसे अप्लाई किए हुए। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं इसकी जो ऑडियो है वो इतनी है, और अगर मुझे इसकी ऑडियो बढ़ानी है या फिर घटानी है तो मुझे इस वीडियो पे क्लिक करना होगा। और साइड में आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये ऑप्शंस बहुत काम के हैं। इन्हीं ऑप्शनों में से आपका एक ऑप्शन वॉल्यूम वाला है, जो है ये वाला ऑडियो मिक्सिंग रूम, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं ऑडियो वन जो है वो हाईलाइट हो रही है, लेकिन बाकी की जो ऑडियो है वो हाईलाइट नहीं हो रही। रीज़न इसका ये है क्योंकि आपकी जो टाइमलाइन है उसमें आपने सिर्फ ऑडियो वन में ही एक आइटम डाला हुआ है, और बाकी जो टाइमलाइंस हैं ऑडियो टू में आपने कुछ भी नहीं डाला है, आपकी एक ही ऑडियो में है, इसलिए आपको ये इस तरह से शो हो रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ऑडियो वन को ऊपर की ओर इस तरह से ड्रैग करना है, और आपको ये ऑडियो गेन भी जितना भी आपको बढ़ानी है आवाज़ उतनी कर देनी है। उसके बाद फिर से आपको इसका प्रीव्यू करके देखना है कि अभी जो इसकी वॉल्यूम है वो कितनी बड़ी है। और ये तकरीबन इतने ही दिन बाद आया है मेरे पास में, तो मैं इसको आज दिखाऊंगी आपको ओपन करके कि इसमें इसके अंदर होता क्या क्या है और किस तरह से इसको अपने यूट्यूब में डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरी जो ऑडियो है वो पहले के अकॉर्डिंग बढ़ चुकी है। और अगर फ्रेंड्स आपको कोई भी ऑडियो घटानी होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ मैं यहाँ पे आपको एक और ऑडियो फाइल लेकर दिखाती हूँ, जैसे बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो मुझे उसकी ऑडियो कम या ज़्यादा करनी है। यहाँ पर मैंने एक MP3 फाइल जो है वो ली है बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए। इसको भी हम नीचे अपनी टाइमलाइन में ड्रैग कर लेंगे, और अभी मैं आपको इसको प्ले करके दिखाती हूँ कि जो उसका ऑडियो साउंड है वो कितना तेज़ है। तो आप नहीं डालेंगे, आप अपनी पेमेंट यूट्यूब से नहीं निकलवा सकते, तो इस कोड का डालना मैंडेटरी होता है। तो अभी जो है इसकी वॉल्यूम इतनी तेज़ है कि दोनों जो आवाज़ है वो मिक्सअप हो रखी है। मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी अपना बैकग्राउंड म्यूज़िक डाल रखा है, और मैंने यहाँ पर एक अलग से ले रखा है म्यूज़िक जो मुझे बैकग्राउंड में ऐड करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसको भी चेंज करना है तो आपको सेम उसी ऑप्शन पर जाना है, ऑडियो मिक्सिंग रूम वाले पे, इस पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद आप देख सकते हैं ऑडियो वन और ऑडियो टू दोनों हाईलाइट हो चुकी हैं। ऑडियो टू का जो वॉल्यूम है हमारे पास में वो इतना है। अगर हम इसे और कम करना चाहते हैं तो इसको भी हमें नीचे और इसको हमें इस साइड पे करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इसको प्ले करके देख लेते हैं। इस फर्स्ट ऑफ ऑल इसके यहाँ पर ये इन्होंने एडजस्ट दिए होते हैं, जहाँ पर लिखा भी होता है रिमूव साइड एडजस्ट फर्स्ट। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप पर पावर डायरेक्टर अगर यूज़ करते हैं तो इस तरह से इजी एडिटिंग अपने ऑडियो के लिए आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो
पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, और आप मुझे मेरी आने वाली वीडियो के लिए टॉपिक्स भी सजेस्ट कर सकते हैं। जो टॉपिक ज़्यादा पॉपुलर हुआ उस टॉपिक पे मैं ट्राई करूँगी कि वीडियो बना सकूँ और आप लोगों के लिए उसका सॉल्यूशन ला सकूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।